प्रदेश का 53वां जिला आज मऊगंज को बनाया गया। अभी तक रीवा संभाग में 4 जिले थे, रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। अब 5वां जिला होगा मऊगंज, जिसकी घोषणा आज प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मऊगंज में की। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा के मऊगंज में सिंगल क्लिक के माध्यम से 605 करोड़ रुपए की अनुग्रह सहायता का वितरण किया। ये राशि मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के तहत वितरित की गई। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने मऊगंज को जिला बनाने की घोषणा की। इसी के साथ मऊगंज प्रदेश का 53वां जिला संभाग का 5वां जिला बन गया। अभी तक रीवा संभाग में सतना, सीधी, सिंगरौली, रीवा जिला शामिल थे। मऊगंज को जिला बनाने की घोषणा करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, मऊगंज में 15 अगस्त को झंडा फहराया जाएगा जिले के रूप में। मऊगंज में मऊगंज तहसील, नई गढ़ी तहसील, हनुमना तहसील और नई बनने वाली देवतालाब तहसील को शामिल किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मऊगंज को अन्य कई सौगातें भी दीं। मुख्यमंत्री का कहना था, काम करने के लिए मौका कम मिला। पहले कांग्रेस की सरकार रही, बाद में कोरोना वायरस संक्रमण काल का दौर था। मामा आया है, कुछ न कुछ दे कर जाएगा। सुनिए मुख्यमंत्री ने मऊगंज को जिला बनाते हुए क्या कुछ कहा। ये तो लेकिन खाली हाथ नहीं जाएंगे, कुछ सौगातें हैं। अभी आपको बताया, उन्होंने भी मुझे बार बार पहले से आग्रह किया था और रीवा का हमारा नेतृत्व तो बैठा है, हमने किसी को दुखी नहीं किया। राजेंद्र जनार्दन जी मांग करते थे हमेशा, सांसद आपके, लेकिन हमने किसी को दुखी नहीं किया। त्योथर वालों ने कहा कि त्योथर अलग रहे, हमका मंजूर है। मनगवा वालों ने कहा मनगवा अलग रहे, हमका मंजूर है। सबकी खुशी में अपनी खुशी है और इसलिए मऊगंज के साथ नई गढ़ी और नई गढ़ी के साथ तीसरी तहसील है हमारी हनुमना। देखो मेरे बहनों और भाइयों, ये नक्शा है पूरा, जिसमें हमने किसी को नाराज नहीं किया, सबकी भावनाओं का ध्यान रखा है। ये नई गढ़ी 382 गांव नई गढ़ी तहसील के, 341 मऊगंज के, 343 हनुमना के और बाद में देवतालाब तहसील अलग इसमें से बनेगी। तो ये 4 तहसीलें मिला के मऊगंज नया जिला बनाया जाएगा। ये नक्शा भी लेके आया हूं, तैयारी पूरी है। जैसे परीक्षा के पहले तैयारी करते, पूरी तैयारी करके आया हूं और आज 24 मार्च से मऊगंज को तहसील बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ, मऊगंज को जिला बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ। 15 अगस्त को इस जिला मुख्यालय पे झंडा फहराया जाएगा मऊगंज वालों। अब मामा इसलिए तो मुख्यमंत्री बना है रे, आप सबको बहुत बधाई। चौहान जिंदाबाद। कल्याण की योजना बनाई थी, गरीब, दीन, दुखी, मजदूर, मेरे वो भाई बहन जिनके पास धन और दौलत के भंडार नहीं है, उनकी जिंदगी में कोई तकलीफ हो, कोई कष्ट हो, कोई परेशानी हो, तो उनको आर्थिक सहायता मिल जाए। और इसलिए हमने तय किया कि मेरी गरीब बहना अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले उनके खाते में 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया डालेंगे, ताकि वो भी लड़ुआ अड़ुआ खा ले, घर में ढंग से खुशियां मनाए।